हेलो गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल के एन अकेडमी और डिस्कस करते हैं लेटेस्ट हायरिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में सबसे पहले हायरिंग आपकी है एम एम एच इन स्पेस फाइव की तरफ से दे आर हायरिंग फॉर रिएक्ट चेज डेवलपर इंटर ओके सो गाइस इसमें एज अ इंटर्न आप काम करने वाले हैं अमृतसर पंजाब आपका जॉब लोकेशन होने वाला है एंड कौन कौन अप्लाई कर सकता है उसके बारे में बात करते हैं सो रिक्वायरमेंट्स आप देख सकते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दाबास्केट एंड वेब डेवलपमेंट एंड लर्निंग एंड पैसन फॉर फ्रंट एंड डेवलपमेंट सो आपके फ्रंट एंड डेवलपमेंट में ही इंट्रेंस इंट्रेंस होने वाली है क्योंकि आर हायरिंग फॉर रियर सो फ्रंट एंड डेवलपमेंट की अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है देन यू कैन अप्लाई

लास्ट डेट है मंडे फाइव फेफ तक एक कि लास्ट डेट होने वाली है इस वाली सारी डिटेल्स को आपको फिल कर देना है यहां पे पूरा एजुकेशन का क्राइटेरिया है कि डिग्री आपकी कब कम, कंप्लीट कम, हो रही है ओके इंटर्नशिप लिंग इन प्रव आपको अटैच करना है सारी चीजें आपको वन वे वन करके आप फिल कर देना है ओके इन्हें इस एप्लीकेशन को आप सबमिट कर सकते हैं नेक्स्ट हायरिंग अपॉर्चुनिटी आपकी ट्रैप की तरफ से होने ट्रेप कल देर हायरिंग फॉर फ्रंट एंड डेवलपर है आपकी फुल टाइम अपॉर्चुनिटी होने वाली है यहाँ पे आप देख सकते हैं डेली आपका जो वाला है इसमें कौन अप्लाई कर सकता है इसमें एनुअल आपका ओके सो यहाँ पे काफी अच्छे स्टेप एंड आपको मिलने वाले

बट यहाँ पर जो क्राइटेरिया है वो है मिनिमम सिक्स मंथ टू टू ईयर ऑफ फुल टाइम एक्सपीरियंस इन जाबास्क्रिप्ट एंड क्लैरिटी ऑफ कोर जाबास्क्रिप्ट लैंग्वेज बेसिक्स ओके सो गाइज अगर आपके पास जाबा स्क्रिप्ट की बहुत अच्छी सी नॉलेज है बिकॉज यहाँ पे फ्रंट एंड डेवलपर के लिए हायरिंग है सो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी का अगर आपके पास काफी अच्छी से नॉलेज है देन यू कैन डेफिनेटली अप्लाई ओके अगर आपने दो महीने की या तीन महीने की भी इंटर्नशिप करी हुई तब भी चल जाएगा बट आपके पास यहाँ पे एडवांस स्किल्स होना चाहिए फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी में जैसे कि रियक्ट जीएस एच टीमसी जाबा स्क्रिप्ट एक्सपीरियस इन यू आई लाइब्रेज एंड जे क्वेरीज गिट कमांड्स मतलब बेसिक क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइक लाइब्रेरी रिडक्स एंड वोट स्टेप में नॉलेज होना चाहिए प्रोसेस के बारे में बात करते हैं इनका टोटल प्रोसेस किस तरीके से होगा अगर आपका शॉर्ट हो जाता है सबसे पहले तो आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद आपका एक टेक्निकल असेसमेंट टास्क होगा उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है उसके बाद आपका ऑफर ओके okay, तो इस तरीके से आपका पूरा प्रोसेस होने वाला है इस वाले जॉब रोल के लिए ट्रेप प्लान में नेक्स्ट हायरिंग अपॉर्चुनिटी गाइस आपकी आई डिजाइन मार्केट की तरफ से होने वाली है आपकी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है एज अ फ्रंट एंड डेवलपर दे आर हायरिंग फॉर इमीडिएटली बेसिस रिएक्ट जीएस एंड सीएसएस नॉलेज एंड सीटीसी आपका होगा 3 एलपीए से लेके 3.5 एलपीए So, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं ये भी आपकी काफी अच्छी हायरिंग अपॉर्चुनिटी है बैचलर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए कंप्यूटर साइंस और रिलेवेंट फील्ड में सो so, इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट हायरिंग ऑपरचुनिटी आपकी है ई की तरफ से दे आर हायरिंग फॉर क्यू ऑटोमेशन एंटरवें आपका जॉब लोकेशन होने वाला है एंड इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है बी बी के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं आई टी कंप्यूटर साइंस और सर्कल ब्रांचेस डिफरेंट ब्रांच के स्टूडेंट्स यू शुड नॉट हैव एनी बैकलॉग सिक्स परसेंट परसेंटेज का क्राइटेरिया है एस की नॉलेज होना चाहिए कोई भी एक प्रोग्रामिंग स्किल की नॉलेज होना चाहिए एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की आपको नॉलेज होना चाहिए ओके सो ई वाई में भी आप गाइस अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट हायरिंग अपॉर्चुनिटी गाइस आपकी होने वाली है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की इंटर्नशिप एंड फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी एन भी आपकी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी में डोमिन होगा एंड इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है सो इन द फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज विद अ विद्रॉन्ग